ओम शांति, आप सबका स्वागत है। आज हम 3 अगस्त की शुरुआत में पहुंचे हैं। परमात्मा कहते हैं कि ईर्ष्या से मुक्त हो ताकि संतुष्ट मणि बनो। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सर्व खजानों को स्वयं में समाकर परमात्मा से मिले खजाने। अगर हम अपने दुनियावी लौकिक खजाने को कंपेयर करते हैं कि मेरी जमीन कितनी बड़ी है, मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, मेरी पोस्ट पोजिशन कितनी बड़ी है, तो हम कभी भी इस दुनियावी खजानों के हिसाब से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारे अंदर सिर्फ ईर्ष्या ईर्ष्या रहेगी, एक दूसरे से तुलना सिर्फ करते रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सर्व खजानों को स्वयं में समाकर परमात्मा से सुख शांति प्रेम आनंद, जो कि हम छू नहीं सकते, वो वाली सुख शांति प्रेम आनंद, बाकी सामानों को छू करके, चीजों को छू करके, आंखों से देख करके जो चीजों से हम सुख शांति लेने की कोशिश कर रहे हैं वो क्षणिक है, कुछ समय के हैं, क्षणभंगुर है वो। लेकिन परमात्मा जो निराकार है, उनसे मिली हुई सुख शांति, उनके याद में बैठ करके उनके प्रकाश से मिली हुई शांति शक्ति प्रेम पवित्रता आनंद खुशी, वो सदा काल के लिए है। तो इसे परमात्मा कहते हैं सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन, मेरे से नहीं होता, आए मेरे अंदर चेंजेस नहीं आते, मुझे ईर्ष्या खत्म नहीं होती, मेरे अंदर क्रोध नहीं खत्म होता, वा ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। तो परमात्मा कहते हैं बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, है ना। मुरली जो हमें मिलती है, हमें इक्वल मिलती है परमात्मा को याद करने का। परमात्मा कहते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे लिए भी हाजिर हूँ, लाखों अकरबों हरबों खरबों भी मुझे याद करे तो मैं उनके भी हाजिर हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है सबको मैं प्रकाश से सुख शांति दे सकता हूँ, लेकिन याद के ऊपर है। लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते, कुछ कुछ अपने अंदर वो समा नहीं सकते, खो देते हैं उसको, परमात्मा से सुख शांति ली, फिर अहंकार दिया, क्रोध कर दिया हमने, तो फिर क्या हो गया, जो हमने लिया परमात्मा से वो निकल गया, ड्रेन आउट हो गया। तो ये लेना फिर ड्रेन आउट करना, फिर लेना फिर ड्रेन आउट करने में क्या होता है, आत्मा थक जाती है। वह स्वयं पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती, है ना। जहां पर हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन कर हमने शांति ली परमात्मा से, अहंकार नहीं दिखाना है, अभिमान नहीं दिखाना है, ईर्ष्या नहीं दिखाना है, और हमने मेडिटेशन करी 5 मिनट के बाद फिर कोई परिस्थिति आई जहां पर हमें परमात्मा का ज्ञान यूज करना था, पॉइंट यूज करनी थी अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, हमने वहां पर गवा दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो समा नहीं पाते हैं शक्तियों को, फिर है ना, फिर कहते हैं तो सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, नहीं होता है मेरे से, क्या करूं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। देखो फिर परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को तो सब कुछ पता है, परमात्मा अंतर्यामी, इनको पता है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा होता है, तो फिर सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे से होना ही नहीं चेंज, मेरे अंदर में जितना मेडिटेशन करूं मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आता। फिर परमात्मा कहते हैं उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है ना, औरों के अंदर जो शक्ति है शांति है वो देख करके उनके अंदर ईर्ष्या होती है, कोई अगर आगे बढ़ रहा होता है, कोई भाई बहन आगे बढ़ रहे होते हैं इस ज्ञान में, है ना। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने, देखो अपने साथ में दिल शिकस्त होंगे तो फिर औरों से कंपेयर करेंगे, तो अपने साथ अगर दिल शिकस्त नहीं होंगे, संतुष्ट अपने साथ में, फिर किससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, फिर ईर्ष्या आएगी ही नहीं, है ना। फिर ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, उनका मुख हमेशा उदास रहता है। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो, तो अपने अंदर चेक करो कि मैं कहाँ अपने शक्ति को लेता हूँ या लेती हूँ आत्मा, उसके अंदर फिर मैं कौन सा काम करो लो मंकर में कौन सा विकार कर बैठती हूँ जिससे कि वो शांति एक सेकंड में भंग कर देती हूँ मैं। तो परमात्मा से लिया और खत्म कर दिया, जैसे कि किसी ने अपने लौकिक माता पिता ने आपको धन दिया और आपने उसको बर्बाद कर दिया, गलत जगह पे आपने डाल दिया इसको, फिर उन्होंने धन दिया, फिर आपने कहीं गलत जगह पर डाल दिया, फिर धन दिया, फिर गलत जगह पर डाल दिया, तो एक्चुअली गिल्ट किसको होना शुरू हो जाएगा, है ना। वो तो देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमारा है बेअंत का पिता है, वो तो लौकिक माता पिता तो थोड़े समय देते रहेंगे, अगर आप बर्बाद करते जाओगे तो उनके पास भी खत्म हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तो बेअंत है, वो तो आपको देते रहेंगे, आप मेडिटेशन करो आप उनसे लेते रहोगे, लेकिन आपको गिल्ट होना शुरू हो जाएगा कि मैं ले तो रही हूँ लेकिन मैं उसको बर्बाद कर रही हूँ, फिर मैं कर रहा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं तुम लेते हो मुझसे, फिर क्रोध अहंकार ईर्ष्या घृणा करते हो, फिर खत्म कर देते हो, तुम अपनी ही बर्बादी करते हो, लेते हो उसको, तुम स्टॉक जमा नहीं करते हो, स्टॉक को जमा नहीं करना आता तुम्हें, बैंक बैलेंस जमा नहीं करते हो, बैंक में आया पैसा यूज कर लिया, शांति आई उसको अहंकार करके क्रोध करके खत्म कर दिया, तो फिर स्टॉक जब जमा नहीं होता है फिर अपने साथ में दिल शिकस्त होते हो, है ना। तो परमात्मा कहते हैं अटेंशन प्लीज, कि अपने ऊपर चेक करो कि ये सिचुएशन जो आई है ये गेम जैसी है, ये उसने ऐसे जब मैंने से बात करी, चुप, ध्यान रखो, चुप, शांति लिए परमात्मा से भंग नहीं करना है, अंदर तूफान चल रहा है उसको चुप कर दो। तो ये हैं तरीके जो हमें अपने आप से बात करके, अटेंशन में रह करके अपने आप से बात करना है। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में, परमपिता परमात्मा हमें परिवर्तन करने के लिए हमें इस ज्ञान को दे रहे हैं ताकि कलयुग परिवर्तन हो, सतयुग में संगम युग का समय बहुत छोटा है, समय कम है, हम अपने आप को जल्दी परिवर्तन करें। ओम शांति इसके साथ।